आपको ये बता दे रहा हूँ व्हाट इज सॉफ्ट स्किल और व्हाट इज हार्ड स्किल, इसके बीच में डिफरेंस एक आपको बता रहा हूँ। सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है वो कैरेक्टर जो आपके नेचर में मुझे दिखने चाहिए, और हार्ड स्किल का मतलब होता है वो एजुकेशन जो आपने लिया है। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल में आपके अंदर क्या था, कैरेक्टर। हार्ड स्किल में आपको मैं ऐसे नॉलेज की बात कर रहा हूँ जो आपको डेफिनेटली अपने करिकुलम में सीखना चाहिए था। तो पहला हार्ड स्किल आपका, आपको एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस मस्ट है। सारी युवाओं को मैं कहता हूँ कि भाई एमएस ऑफिस आप जरूर करें। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये हर नौकरी का बेस हो चुका है। आप इसे कहूँ कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कमजोर है, आपको बनता नहीं है, ये आईटी वालों के लिए भी है, क्योंकि आईटी वालों को भी शीट्स बना के देने पड़ते हैं। तो आप एमएस ऑफिस को पूरी तरीके से सीखे, पर एमएस ऑफिस को सीखने का मतलब पूरा करने से है, ये नहीं कि आपने सिर्फ आधा अधूरा काम सीखा। दूसरा आपके हार्ड स्किल क्या है, आप एचटीएमएल यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिससे वेब डिजाइनिंग होती है, इसकी कोडिंग को कंफर्म कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, सारे युवाओं के लिए एचटीएमएल कंपलसरी है, इस कारण से यूनिवर्सिटी डिप्लोमा लेवल में तक एचटीएमएल करा रही है। यानी युवाओं को डिजाइनिंग का काम आना ही चाहिए, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट भले उसको ना आए। तो अगर आपको मतलब करियर सुनिश्चित करना तो एचटीएमएल आप एकदम करके रखें। नंबर तीसरा गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स इसके बारे में कईयों ने सुना तक नहीं होगा। गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स ये एक लिस्ट में कहा गया है कि आप सबको गूगल एनालिटिक्स के द्वारा सर्च करना आना चाहिए कि कौन से वेबसाइट के कितने व्यूअर्स है, क्या फॉलोअर्स है, आपको सारी डिटेल गूगल एनालिटिक्स बताता है। तो युवा वर्ग को गूगल एनालिटिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ये मस्ट नॉलेज में रखा गया है। और स्किल्स में आपके टेक्निकल स्किल्स में गूगल एनालिटिक्स के बारे में देखा जाता है। अभी यह मत कहिएगा कि सर आई बीकॉम, मुझे ये सब की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली जरूरत है, आपको इसका बेसिक होना चाहिए। चौथा फॉरेन लैंग्वेजेस, हार्ड स्किल में ये भी कहा गया कि आप कम से कम कुछ बड़ी फॉरेन लैंग्वेजेस आप जरूर सीखिए। फॉरेन लैंग्वेज में आपको इंग्लिश भी आप ज्यादातर सीख नहीं पाए, कई लोग रशियन सीखते हैं, ठीक है, कई लोग जो है वो चाइनीज लैंग्वेज सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, कई यूनिवर्सिटीज में भी ध्यान रखना लैंग्वेजेस सिखाने का आजकल चालू कर दिया गया। तो ये हार्ड स्किल में कहा गया है कि कुछ आप साउथ के आपने क्या कहते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस को सीखे, जिससे कम से कम आप उस देश के साथ कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि अगर आपको विदेशों में फैलना है तो उनके लैंग्वेजेस का ज्ञान होना चाहिए, और इंग्लिश तो मस्ट है। अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे, वेरी टफ। नेक्स्ट आप लिखिएगा एसईओ एंड एसईएम, एसईओ एंड एसईएम ये डिजिटल मार्केटिंग का वैसे टॉपिक होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक युवा को एसईओ एसईएम का काम बेसिकली आना चाहिए, ठीक है, भले आप किसी भी फील्ड से काम कर रहे हैं, क्योंकि इन सारे स्टेजेस में ध्यान रखना वर्क है और पैसा बहुत रहता है, और आपके रिज्यूमे का जो आपका जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है अगर आप एसईओ और एसईएम करें, एसईओ एंड एसईएम मैंने बोला, एसईएम। नेक्स्ट आप लिखिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड मैनेजमेंट, आपको क्लाउड सर्वर्स में डेटा रखना आना चाहिए, ठीक है, कई युवाओं को आज तक डेटा क्लाउड में डालना नहीं आता, क्लाउड में रजिस्ट्रेशन कराना नहीं आता, क्लाउड्स में किस तरीके से डेटा आपको अपलोड करोगे, डाउनलोड करोगे, रीयूज करोगे, ये कई युवाओं को नहीं आता। और ये ध्यान रखिएगा आपको ये काम आना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी आप जॉब करेंगे तो आपको उसके क्लाउड में भी काम करना है। नेक्स्ट आप लिखिएगा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें वर्डप्रेस का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें वर्डप्रेस की बात हम कर रहे हैं। युवाओं को कम से कम खुद की वेबसाइट बिना कोडिंग के तो बनानी आनी चाहिए, सीएमएस प्लेटफॉर्म। तो आपको अगर कोडिंग के द्वारा वेबसाइट नहीं बनानी है तो आप अपनी प्रोफाइल को बिना कोडिंग के सीएमएस यानी वर्डप्रेस से बनाए। इसमें विक्स का भी यूज होता है, विक्स.com भी वेबसाइट है, और बहुत सारी वेबसाइट है जिसमें आप बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं। तो आप कम से कम एक बिना कोडेड वेबसाइट को लॉन्च करने की ताकत तो रखें। हार्ड स्किल में आपका कैलकुलेट होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर इस बात को देते भी काफी खुश होता है कि चलो आप बिना कोडेड वेबसाइट बनाना जानते हो। नेक्स्ट आप लिखिएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जितने भी सॉफ्टवेयर जिससे कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनता है, जैसे जिन्होंने इंजीनियरिंग की है वो मैटलैब जानते हैं। मैटलैब एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे बहुत सारे आप चिप्स को डिजाइन कर सकते, ठीक है। इसी की तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे विजुअल स्टूडियो है, ठीक है, जैसे अपना पाइथन के सॉफ्टवेयर होते हैं, आर लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जितने भी सॉफ्टवेयर आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं, इनमें से कम कुछ सॉफ्टवेयर आप जरूर सीखे, क्योंकि भविष्य में भी आपको किसी ना किसी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में डाला जा सकता है।